समिट हुई और इसी बीच मीटिंग में भी भाग लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और शांति का संदेश देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए हैं। आपको बता दें कि क्वाड ग्रुप जिसमें कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर ये चार देश जो है और यहाँ पर शांति से जुड़ी हुई वार्ता करते हैं। और अब आपको एक बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं, कुछ तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी आज भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। आज भारतीय लोगों को संबोधित वो करने वाले हैं। क्वाड समिट में संबोधन के बाद वो रवाना हुए और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि न्यूयॉर्क के लिए प्रधानमंत्री मोदी रवाना हुए। तस्वीरें इस वक्त लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जो कि कई मायनों में खास भी हो जाती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में हैं और कल उनका पहला दिन था और पहले दिन वो क्वाड समिट में शामिल हुए। चार देशों के बीच में देखिए बातचीत हुई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 3.5 मिनट के भाषण में जो संदेश दिया है वो दुनिया भर में पहुंचा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया है कि भारत किसी के खिलाफ नहीं है और साफ तौर पर प्रधानमंत्री ये भी कहते हुए नजर आए कि देखिए किसी भी समस्या का समाधान जो है वो लड़ाई झगड़े या फिर वॉर्स के जरिए से नहीं हो सकता है, समाधान सिर्फ बातचीत के जरिए ही हो सकता है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से दोहरा दिया कि शांति बहुत जरूरी है और पूरे विश्व में शांति बनाए रखना इस वक्त एक बड़ा संघर्ष भी है। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया, आपको पूरा अपडेट इस रिपोर्ट के जरिए देते हैं। रूस यूक्रेन की जंग, मिडिल ईस्ट में तनाव, समंदर में चीन की चालबाजी, अमेरिका में हुई क्वाड 2024 की बैठक कुछ इसी तरह के हालातों के बीच हुई। दुनिया में अलग अलग मोर्चों पर चल रही जंग के दौरान ये मुलाकात कई मायनों में अहम है। अहम इसलिए क्योंकि इस बैठक में न सिर्फ दुनिया के दो मोर्चों पर चल रही जंग का समाधान ढूंढा जाना है बल्कि हिंद महासागर में चीन की बढ़ती हरकतों पर लगाम लगाना है। हमारी बैठक ऐसे समय हो रही है जब विश्व तनावों और संघर्षों से घिरा हुआ है। ऐसे में साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड का मिलकर साथ चलना पूरी मानवता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास बात ये कि दुनिया के किसी भी हिस्से में जारी संघर्ष का भारत ने कभी भी समर्थन नहीं किया, बल्कि हर बार भारत इसी बात पर जोर देता रहा कि समाधान धमाकों के शोर से नहीं बल्कि शांति से बैठकर आपस में बातचीत करके निकाला जाना चाहिए। और क्वाड के मंच से प्रधानमंत्री ने अपना वही संदेश दोहराया, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम सभी एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मसलों के शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालने के समर्थन करते हैं। ये पहली बार नहीं है जब भारत शांति और समाधान का ये सुझाव दे रहा है। याद कीजिए, पीएम मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन और फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की। पीएम मोदी ने दोनों नेताओं को संघर्ष की बजाय बातचीत से हल निकालने का सुझाव भी दिया। पीएम मोदी के इस कदम की तारीफ खुद बाइडेन भी कर चुके हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल भी रूस की यात्रा कर चुके हैं। और यही नहीं, संयुक्त राष्ट्र के अलग अलग मंचों से भारत शांति और बातचीत से समाधान निकालने की बात को दोहराता रहा है। मतलब साफ है कि हिंदुस्तान किसी भी मोर्चे पर युद्ध का समर्थन नहीं करता बल्कि उसके लिए तो शांतिपूर्ण समाधान ही प्राथमिकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ कल ही नहीं बल्कि इससे पहले भी कई बार
शांति का संदेश दिया। आपको एक एक करके ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कब का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां गए और कहां पर उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया। 14 जून साल 2024 इटली, आपको बता रहे, पुगलिया में प्रधानमंत्री मोदी और जेलेंस्की की मुलाकात हुई। इस दौरान भी शांति संदेश पीएम मोदी देते हुए नजर आए थे। 8 जुलाई 2024 को रूस की अगर बात करें, मॉस्को में मोदी और पुतिन की मीटिंग हुई थी जो कि कई मायनों में खास मानी गई थी। यहां पर भी पीएम मोदी ने यही बात दोहराई थी। फिर 23 अगस्त 2024 यूक्रेन दोबारा गए थे और कीव में जेलेंस्की से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई थी। आपने वो तस्वीरें भी देखी थी। 26 अगस्त 2024 को जो बाइडेन और मोदी की फोन पर बात हुई और 27 अगस्त 2024 की बात करें, कीव दौरे के बाद पुतिन से भी फोन पर बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आए थे। यानी कि पूरा विश्व बखूबी जानता है कि सिर्फ और सिर्फ भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही शांति की बात करते हैं। और एक बार फिर से आपको लगातार हम तस्वीरों के जरिए दिखा भी रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल मीटिंग में भाग लिया और मीटिंग के दौरान उनकी तरफ से क्या बड़ा संदेश पूरे विश्व को दिया गया। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड समिट में शामिल होने के लिए अमेरिका पहुंचे और ये जो बैठक थी काफी खास थी, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन जरा उस तस्वीरों की भी बात कर लेते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट पर पहुंचे तो भारतीय समुदाय के लोगों में भारी उत्साह उस वक्त देखने को मिला। ऐसा लग रहा था कि निगाहें बिठाए जो है लोग इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इसके अलावा जब एयरपोर्ट से वो डेलावेयर के लिए रवाना हुए तो वहां पर इंतजार कर रहे थे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। वहां पर किस किस उनका स्वागत हुआ आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। यह तस्वीर देख पाकिस्तान परेशान होगा। यह तस्वीर देखकर चीन भी चिढ़ जाएगा। क्वाड के मंच पर सरपंच का ग्रैंड वेलकम। वैसे तो पीएम मोदी अमेरिका में क्वाड देशों की बैठक में शामिल होने पहुंचे थे, लेकिन पहले फिलाडेल्फिया और डेलावेयर में जिस तरह पीएम मोदी का स्वागत हुआ वो बताता है कि दोनों देशों के आपसी रिश्ते सिर्फ क्वाड के मंच तक ही सीमित नहीं है। पीएम मोदी के डेलावेयर पहुंचने से पहले ही राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने घर के बाहर मौजूद थे और जब पीएम मोदी का काफिला उनके घर पहुंचा तो जो बाइडेन ने उन्हें गले से लगा लिया। पीएम मोदी को जो बाइडेन की ये झप्पी साफ तौर पर बताती है कि दुनिया भर में हालात चाहे जो भी हो, भारत और अमेरिका आज भी एक दूसरे के बेहद करीब है। दोनों देशों के रिश्ते आज भी उतने मजबूत हैं जितने वो दशकों से रहे हैं। मोदी बाइडेन की कूटनीति के मस्ती को देखकर विरोधी हैरान और परेशान हैं, क्योंकि दुनिया भर में चल रही उठापटक को देखकर उन्हें ये लग रहा था कि दोनों देशों के बीच दूरियां बढ़ेंगी, लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद उनके मंसूबे भी धीरे धीरे धरे रह गए।